हेलो माय डियर फैमिली, मोस्ट हाइप्ड मूवीज ऑफ 2024 का लिस्ट जस्टेक चैनल के ऊपर आ चुका है, तो जाके जरूर से देखना मेरे भाई, बहुत मेहनत से बनाया है आप ही के लिए। एनीवे, आज का एपिसोड नंबर है 156 156 वीडियो, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज का अपना फर्स्ट अपडेट है सलार 2 मूवी को लेकर, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा जरूर से लग सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है, पर इस मूवी के प्रोड्यूसर विजय किरगंदूर ने रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू के अंदर ये कंफर्म कर दिया कि सलार 2 मूवी को ये लोग नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड तक डेफिनेटली रिलीज कर देंगे, जिसके लिए ये मूवी पर किसी भी टाइम पर काम शुरू कर सकते हैं। बिकॉज़ देखो, पहले तो इस मूवी की स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है, और दूसरा ये कि प्रभास और डायरेक्टर प्रशांत नील दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस पार्ट 2 को बनाने के लिए और ढेर सारा पैसा छापने के लिए। साथ ही प्रोड्यूसर साहब ने यह भी कहा कि पार्ट 1 जो था ना भाई, वो पार्ट 2 का बस एक छोटा सा ट्रेलर ही था। इस सेकंड पार्ट के अंदर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा और उस मूवी का स्केल भी इससे कई गुना बड़ा होने वाला है, और ये जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा होने वाला है। इसमें थ्रोन्स को लेकर खूब सारा ड्रामा होगा, पॉलिटिक्स होगी और ऑब्वियसली एक्शन तो होगा ही होगा। सो लेट्स सी कब ये लोग इस पार्ट को बनाना शुरू करते हैं, जैसे ही एक्शन बोलेंगे हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट है बड़े मियां छोटे मियां मूवी को लेकर, जहां इसके टीजर रिलीज को लेकर काफी रूमर्स आ रहे हैं। मार्केट में एक डेट घूम रही है कि भाई इसका फर्स्ट टीजर 22 जनवरी को रिलीज किया जाएगा, जो कि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो देखते हैं कि कब होती है इसकी डेट कंफर्म। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है रोहित शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर, तो इसके ट्रेलर की रिलीज डेट को ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया गया है, जहां ये ट्रेलर हमें 5 जनवरी को देखने को मिलने वाला है। ये वेब सीरीज 19 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें 7 या 8 एपिसोड्स होंगे, तो 5 तारीख को यानी कि कल और 19 जनवरी को रिव्यूज देखने के लिए जरूर से आ जाना जस्टेक चैनल के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है रणबीर कपूर को लेकर, जहां कल इनकी रोहित शेट्टी के साथ एक पोस्ट काफी वायरल हो रही थी, जिसमें अपने रणबीर कपूर ने एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन रखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित शेट्टी ने रणबीर कपूर को भी अपने कॉप यूनिवर्स के अंदर घुसा लिया है, क्योंकि एक तो ये बंदा ना यार हर एक एक्टर को पुलिस वाला बनाने में लगा हुआ है। जो भी एक्टर दिखे, खास करके जिसका टाइम चल रहा हो वन टाइम, उसको पुलिस वाला बना दो। जैसे इनका पुलिस के किरदारों के साथ एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन चल रहा है। वहीं एक तरफ है अपने संदीप रेड्डी भाई, जो अपनी मूवीज के अंदर पुलिस वालों से कुछ काम ही नहीं करा रहे, मतलब समझ गए ना आप। हाँ वही। और दूसरी तरफ है अपने रोहित शेट्टी भाई, जो अपनी मूवीज में पुलिस वालों को आराम ही नहीं करने दे रहे। खैर वैसे तो ये जो पोस्ट है भाई, वो एक टीवी एड की पोस्ट है, कोई मूवी नहीं बन रही है। बस इस एड के लिए रोहित शेट्टी ने रणबीर कपूर के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो देखते हैं किस चीज की एड होती है ये। वैसे आपको क्या लगता है किस चीज की एड होगी, कमेंट्स करके बताना। साथ ही कल करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रणबीर कपूर की एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड करी, जिसमें अपने रणबीर कपूर वही 15 साल पहले वाले सीड के किरदार में दिखाई दे रहे, और पीछे वेकअप सीड मूवी का थीम म्यूजिक प्ले हो रहा है, जिसे देखकर फैंस स्पेकुलेशंस लगाने लगे कि कहीं ये लोग वेकअप सीड की सीक्वल तो नहीं बना रहे हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। ये वीडियो भी बस एक एड वीडियो का ही पार्ट है, जिसमें हमें रणबीर कपूर वेकअप सीड मूवी की पूरी लीड कास्ट के साथ दिखने वाले हैं। इसकी बिहाइंड द सीन शूट वीडियो रेडिट के ऊपर पड़ी है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो मूवी में ना सही, एड में ही सही, मूवी की यादों को ताजा कर लेते हैं। वैसे ये मूवी काफी स्वीट मूवी थी यार, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इसको एक बार जरूर से देखना, और जिन लोगों ने देख ली है वो लोग कमेंट करके ये बताना कि इसका पार्ट 2 बनना चाहिए या नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है एक्टर नानी की हाई पापा मूवी को लेकर, जो कि आज ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज की गई है, तो अगर आप इसका इंतजार कर रहे थे तो भाई जाओ और इसको देख लो। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है सलमान खान की नेक्स्ट मूवी द बुल को लेकर, जिसकी कहानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मूवी ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की लाइफ पर बेस्ड होगी, जिन्होंने 1988 में मालदीव में हुए ऑपरेशन कैक्टस को सक्सेस दिलाई थी। वहीं इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनाया जा रहा है। इसकी शूटिंग का काम फरवरी महीने से शुरू होगा, लेकिन सलमान खान की प्रिपरेशन तो अभी से शुरू हो गई है, जहां वो रेगुलरली 3.5 घंटे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काफी हैवी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सलमान खान का इस मूवी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है शिवा कार्तिकेयन की आयलान मूवी को लेकर, जो कि एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी होगी, वो भी एक सोशल मैसेज के साथ, जिसमें हमें एआर रहमान का म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। तो ये मूवी 12 जनवरी को रिलीज हो रही है। हां भाई, इसी 12 जनवरी की बात है, 2025 की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, इसीलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी मूवीज बताई है जो इस 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है। हां तो भाई मैटर यही है कि इस दिन साउथ की बहुत सारी मूवीज का क्लैश होने वाला है। वहीं इसके मेकर्स कल इस मूवी का एक ट्रेलर भी रिलीज करने वाले हैं, तो देखते हैं मूवी के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस बनाता है ये ट्रेलर। वहीं कल प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी से एक स्तोत्रम रिलीज किया गया है, श्री रामादूता स्तोत्रम नाम से, जो कि भाई साहब सच में गूज़बम्प्स दे रहा है। इसे सुनते ही अंदर एकदम से एनर्जी सी क्रिएट होती है, जिस वजह से इसको बार बार सुनने का मन करता है। वैसे
आपको कैसा लगा ये स्तोत्रम कमेंट्स करके बताना। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करते जाना। मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जयस, यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।